Real heroes don't have a number on the back of their jersey. They wear their country's flag. Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel. आज 15 जनवरी है और आज भारत में भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी इंडियन आर्मी डे। आज भारतीय सेना अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज ही का दिन क्यों थल सेना दिवस मनाया जाता है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपकी स्क्रीन पे आए। हमें भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों और जवानों को हर रोज सलामी देनी चाहिए, क्योंकि वो ही तो हमारे देश और उनकी सीमाओं की रक्षा करते हैं। सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को देश के और सेना के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने की कहानी भी काफी पुरानी है। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिन मनाया जाता है। करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। आर्मी डे पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, उनकी वीरता, शौर्य और उनकी कुर्बानी को याद करता है। भारतीय सेना का गठन सन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। इंडियन आर्मी चीन और अमेरिका के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी में शामिल है। 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए चलाए जाने वाला ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। यह दिन सैन्य परेड, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। आर्मी के जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड होती है। इस दिन उन सभी बहादुर सैनिकों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। अब जानते हैं KM करियप्पा के बारे में कुछ। सन 1899 यानी 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे फील्ड मार्शल करियप्पा ने महज 20 वर्ष की उम्र में
ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। करियप्पा ने वर्ष 1947 में भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सेना का नेतृत्व भी किया था। भारत पाक आजादी के वक्त उन्हें दोनों देशों की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। वर्ष 1953 में करियप्पा सेना से रिटायर हो गए थे। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद सर्वोच्च होता है। ये पद सम्मान स्वरूप दिया जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक यह रैंक सिर्फ दो अधिकारियों को दिया गया है। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मंकशा हैं। उन्हें जनवरी 1973 में राष्ट्रपति ने फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया था। एम करियप्पा देश के दूसरे फील्ड मार्शल थे। उन्हें सन 1986 में फील्ड मार्शल बनाया गया था। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है।
उन्हें अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। मेरे वतन